करना है, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से 3x की पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करना है। तब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले जो लॉजिक है वो है एक्स स्क्वायर, और देखा जाए तो ये पूरा फंक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कीजिए, वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3x की पावर 4। 3x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से करते हो तो ये वैल्यू है 9x क्यूब, और 1 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से देन प्लस का 3x स्क्वायर, देन चेंज ऑल द साइन। इफ यू चेंज ऑल द साइन देन 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब इज माइनस 4x क्यूब, और माइनस 7 माइनस 3 दैट इज अ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देन द सेकेंड स्टेप, देर इज एक्स स्क्वायर देर इज अ माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, देन वी गेट माइनस 4x, देन सिंपल माइनस 4x, माइनस 4x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से माइनस 4x क्यूब, 3x की मल्टीप्लाई 4 से डेट इज द 12x स्क्वायर, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से माइनस 4x, देन प्लस 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 चेंज द साइन, देर इज अ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन देर इज अ 2x स्क्वायर, जस्ट 2x स्क्वायर इज डिवाइड बाय x स्क्वायर, देर इज नीड टू बी 2, देन प्लस 2 एंड 2 इज मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, 2 शुड बी मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, देर इज अ 2x स्क्वायर, देन 3x मल्टीप्लाई बाय 2 देर इज अ 6x, देन मल्टीप्लाई 2, देन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देन वी गेट दिस इज द क्वेश्चन, देर इज अ रिमाइंडर इज 0, देर इज डिविजर इज दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिविडेंड।